भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को भारत ने 7 विकेट से शिकस्त देते हुए इस सीरीज का करो या मरो मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ अब टीम इंडिया के इस सीरीज को जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर भारत ने आने वाले दोनों मुकाबले अपने नाम किए तो भारत सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। आपको बता दें कि इस मैच में टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। सूर्य कुमार यादव की 83 रनों की पारी के चलते भारत ने इस मैच को जीता, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी इसी तूफानी पारी के चलते बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बता दें कि सूर्य कुमार यादव का ये 14वां T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक था, उनके नाम 3 शतक भी हैं। अब इसी के साथ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली 49 पारियों में सूर्य कुमार यादव भारत के लिए सबसे ज्यादा अर्धशतक पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने संयुक्त रूप से विराट कोहली की बराबरी की है। दोनों के नाम पहली 49 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 17 बार अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों के बाद 49 पारियों में 16 बार 50 से ज्यादा रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड KL राहुल के नाम है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने छक्कों का भी एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। दरअसल में इस पारी में सूर्य कुमार यादव ने 100 अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने का रिकॉर्ड पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी में कुल 4 छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में छक्कों का शतक लगाया। बल्लेबाज के नाम फिलहाल 101 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। लेकिन उन्होंने बतौर भारतीय बल्लेबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के पूरे किए हैं। वहीं विश्व की बात करें तो वो ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। पहले पायदान पर आते हैं वेस्टइंडीज के इवन लुइस, जिन्होंने 42 पारियों में कीर्तिमान अपने नाम किया है, जबकि सूर्य का नाम 49 पारियों में रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।